नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एमी इवेंट्स इंडिया में। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेकर जाऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज मोरनी हिल्स रिजॉर्ट में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही एडवेंचरस जगह, इसीलिए मैंने कहा यार आपको दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पर हम एडवेंचर कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर कॉटेजेस और बहुत ही सुंदर व्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले मेरी नजर गई एक आम के पेड़ पे। मैंने देखा यार बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं, और ये पेड़ कम से कम, मैं आपको बता दूं यार, 10-15 साल पुराना नहीं होगा, कम से कम 150 साल पुराना पेड़ है यार। इतने मैंगोज है ना यहाँ पर। हमारी जो टीम एमी इवेंट्स है ना, सबसे पहले इन्होंने आम खाना शुरू कर दिया, और पेट भर भर के आम खाए हैं, तब भी आम खत्म नहीं हुए हैं। हमने बोरी भर भर के अपनी गाड़ी में भी रख ली है, और एक हमारा जो टीम एमी इवेंट्स का एक बंदा है, अभी भी खाई जा रहा है और आम्स कलेक्ट कर रहा है वो। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग पेड़ है यार, मैं देखते ही बस बिल्कुल एकदम वो हो गया, मैं देखता ही रह गया इस पेड़ को। इतना बड़ा पेड़ है, 150 साल पुराना कम से कम पेड़ होगा, कम से कम 150 साल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे तुपका आम है बड़े सारे, तो तुपक के नीचे गिर जाते हैं ये। बड़े क्यूट से मैंगोज हैं, बहुत मीठे हैं, मैंने टेस्ट किया इनको, और बहुत सारे हैं यहाँ पे यार, हजारों की तादाद में गिरे हुए हैं। यहाँ के आम देख के वापस जाने का घर जी नहीं करता बिल्कुल भी। तो जैसे आपने सुना है इनका घर जाने का मन नहीं है, यहाँ के आम देख के, यहाँ इतने सारे आम देख के इनका मन है कि यहीं रुक जाए और आम खाते रहे और मस्त रहे पेड़ की छाओं में। हरियाणा में इकलौती ऐसी जगह है मोरनी, जहाँ जो कि एक पहाड़ी इलाका है, और जहाँ पर अभी हम आए हैं मोरनी हिल्स रिजॉर्ट, तो वो हरियाणा की इकलौती या फिर मोरनी की इकलौती एक लग्जरी जगह है जो बिल्कुल लग्जरियस है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मोरनी हिल्स रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल भी है। तो यार गर्मी होना तो सबका मन करता है गोता लगा लें एक, तो देख सकते हो बड़ा अमेजिंग सा स्विमिंग पूल है यहाँ पे। बच्चे हो, फैमिली हो, आप आए यहाँ पर गोते लगाएं और बड़ा मजा आएगा स्विमिंग करके। और पूल के बिल्कुल ही साथ यहाँ पर हैं ये कुछ शेड्स बने हुए हैं, सिटिंग एरिया है एक तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, बहुत अच्छा है ये भी, काफ़ी ग्रीनरी वाला है, अच्छी ग्रास लगी हुई है, कुछ नेस्ट हैं, तो आप बर्ड्स के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कीजिए, मज़ा आएगा। तो यार मेरे को ना यहाँ पे एक मिट्टी का एक तरह से कहते हैं घर मुझे दिखा, जैसे हम लोग भी अपना देखते थे कहीं पे, कुछ कीड़े बना लेते हैं, कुछ दीमक बना लेती है, इस तरह की मिट्टी के घर। लेकिन मैंने ऐसा सुना कि ये जो मिट्टी का घर है इसमें सांप रहते हैं, तो मैं इसलिए इससे थोड़ा दूर ही खड़ा हूँ। मैं सोचा मैं पंगे नहीं लूंगा यार, कहीं बाहर ना आ जाए सांप, तो लेकिन है बड़ा खतरनाक सा है, अमेजिंग है। तो दोस्तों अभी हम लटक गए हैं इन टायरों में, तो मैं चढ़ गया, मैंने कहा यार थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, मेरा मन कर गया है। यहाँ पर बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है, कुछ झूले ले रहे हैं, इनको बोलते हैं टायर स्विंग्स। तो यहाँ पे एक मोरनी हिल्स रिजॉर्ट में एक मैंने देखा कि एक छोटा सा मंदिर भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं तो यार ऑलरेडी भोले बाबा का भक्त हूँ, तो मैं भोले बाबा के दर्शन करने आ गया, मैंने कहा बम बम बोले तो दर्शन करके आते हैं। और मंदिर के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे ना, तो एक इन्होंने बनाया हुआ है, मैंने सुना, इनसे पूछा था, इन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रैकिंग एरिया है। तो दोस्तों चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के लग्जरी कॉटेज में, जो मैंने आपसे आपको बाहर से दिखाई थी जो खूबसूरत सी हट्स, तो आइए देखते हैं अंदर से कैसी हैं वो। तो दोस्तों जितनी ये हट्स खूबसूरत बाहर से हैं, उतनी अंदर से भी हैं यार। इनका प्रिंट आप देखो ना, जयपुरी प्रिंट जैसा होता है, तो वैसा वॉल्स पे प्रिंट है। तो ये कुछ अमेजिंग से ये पेंटिंग्स हैं, कुछ ये स्कल्पचर्स हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है। सामने आपको व्यू आएगा, टिक्करताल लेक का व्यू आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा, कंफर्टेबल है। अगर बेड्स की भी बात करें तो बड़ा अच्छा वो लगा हुआ है, तो अच्छे से मेरे को तो आराम आ रहा है, मजा आ रहा है यार। तो मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर उठूं मत मैं, लेकिन मुझे शूट करना है। दोस्तों ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं, इनफ है, काफी बड़े हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि छोटा है वॉशरूम। ड्रॉवर्स हैं यार, बढ़िया है, प्लग्स हैं फॉर एसी एंड ऑल, इनफ है फॉर अ कपल, और खूबसूरत है काफी बाहर से भी और अंदर से भी। तो दोस्तों अभी तो यार हमारी टीम बहुत थक गई है एमी इवेंट्स की, और हम अभी जा रहे हैं पेट पूजा करने के लिए। तो चलो आपको एक बार रेस्टोरेंट दिखा भी देता हूँ, और चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। दोस्तों ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, तो बहुत ही खूबसूरत है रेस्टोरेंट भी, आप देख सकते हैं सीटिंग एरिया बहुत अच्छा है ना, बांस की एक सीटिंग है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, टेबल्स अच्छे हैं। और व्यू अगर बात करें ना, तो यार व्यू तो यहाँ हर जगह से व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी टीम एमी इवेंट्स के लिए खाना तो रेडी हो चुका है यहाँ पे, और मैं तो खाने पे टूटने वाला हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। है हमारे पास मिक्स वेज, चने की दाल है, और ये नॉन वेज की एक डिश है, चिकन में भी, और सैलड है, चपाती है, राइस है। तो यार अभी ये हमारी एमी इवेंट्स की पूरी टीम ने पूरा भर भर के खाना खा लिया है, पेट भर भर के, और ये कुछ बच गया, अब खाया नहीं जा रहा है, सबका एकदम फुल हो गया है हिसाब किताब। दोस्तों अभी हम चलते हैं यार, आपको ना ऊपर से एक व्यू दिखाते हैं, अभी हम ट्रैक करके जाएंगे पहाड़ी पे और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू आता है। अभी हम सेकंड डे के ऊपर जा रहे हैं, ये सेकंड डे था। पर एक चीज का और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का आप नाइट लाइफ का पूरा एंजॉय करके जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेचर जंगल में आप
भी गाड़ी की जितने मर्जी आप 10 बजे 12 बजे रात को 2 बजे जब मर्जी आप ड्राइव करके जहां मर्जी चले जाएं, और 101% सेफ और सिक्योर एरिया। ये बड़ा ही एक डेंजर टर्न हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही खतरनाक सा रास्ता है आप देख सकते हैं। तो हम अभी जंगल में जा रहे हैं, जंगल की तरफ। तो दोस्तों इस खतरनाक सी ड्राइव के बाद पूरे घने जंगल को कवर करते हुए, घने जंगल से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं इस जगह पर जहां पर कुछ एक घर बना हुआ है। वहां से हमें ये कहना है सर का कि हमें दिखाएंगे एक व्यू मॉर्नी हिल रिजॉर्ट का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये व्यू कितना यार देखते ही बनता है, क्या जबरदस्त व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं डीजे वाला एरिया ना यहाँ से नजर आ रहा है हमें यार, पूरा जैसे एक स्लेट। अगर आपको याद होगा बचपन में जब स्कूल जाते थे तो हमारे पास एक स्लेट होती थी, तो स्लेट की शेप में बना हुआ है, बचपने का बचपना होता है, तो वो आपको दोबारा उस स्लेट पर नाचते हुए याद आ जाएगा। तो जब हम ऊपर से आए हैं अभी ट्रैक करके, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, तो देखो हमारी टीम की गाड़ियां नीचे नजर आ रही हैं वो। तो दोस्तों अभी इस व्यू का हमने ले लिया है मजा, तो बहुत मजा आया, वैसे जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब हम नीचे चलते हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ। मुझे लगता है 6-7 हज़ार फीट की हाइट पे था वो व्यू। और ये आपके सामने लेफ्ट साइड में अभी ये टेम्पल है, और ये पांडवों के टाइम का टेम्पल है दोस्तों। ये मोरनी हिल्स रिजॉर्ट के बहुत ही पास में ये मंदिर है, ये पांडवों का मंदिर बोला जाता है, वो यहाँ पर रुके होंगे। और ये मूर्तियां आप देख सकते हैं बिल्कुल एंशियंट टाइम की है, कम से कम बोलते हैं कि ये 1.5-2 हज़ार साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये भी मंदिर से बाहर इसीलिए है क्योंकि बोलते हैं कि ये खंडित हो चुकी हैं। तो जैसे कि हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि जो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं उन्हें मंदिर से बाहर रख दिया जाता है या कहीं पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना यार, ये डीजे फ्लोर जो है, डीजे एरिया हमारा, तो अभी आप देख सकते हैं डीजे एरिया सामने हमारे डीजे खड़ा हुआ है यहाँ पर, और म्यूजिक बजाएगा तड़ाक करके। आप यहाँ पर डांस कर सकते हैं, पूरी पार्टी कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसमें बिम्बो में, जिसको जुंगी बोलते हैं देसी भाषा में। आराम से यहाँ पर कुछ खाएंगे, स्नैक्स वगैरह और बियर लेंगे। तो दोस्तों क्या ही क्या बात है यार, यहाँ से बिल्कुल एकदम जबरदस्त व्यू है, राजा महाराजा वाली फील है। आराम से बैठो यहाँ से और पूरा नज़ारा लो कि दूर दूर तक सारा दिख रहा है तुम्हें हाइट से, बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों अगर आप आते हो ना यहाँ मोरनी हिल्स रिजॉर्ट में, तो यार ये एमी इवेंट्स इंडिया का दावा है कि आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, आपका मन लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, आप नहीं जा सकते दोबारा यहाँ से। अभी हम आपको दिखाएंगे दीप राम जी। दीप राम जी क्या करेंगे, ये ब्रह्मा ब्रिज है इसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा ब्रिज इसको कवर करेंगे, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएंगे बैलेंस करते हुए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये कम से कम भी 40 फुट की ऊंचाई पर है और इसको ब्रह्मा ब्रिज बोलते हैं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बना हुआ है। तो ये बड़ा ही एडवेंचर सा है, खतरनाक है, अच्छा है। तो जो मेरे दोस्त एडवेंचर यहाँ पर आकर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, तो मज़ेदार है। अभी इसको ब्रह्मा ब्रिज बोलते हैं। तो लीजिए क्रॉस कर लिया अभी दीप राम जी ने, तो ये था हमारा ब्रह्मा ब्रिज। वहाँ हमने दिखाया आपको ब्रह्मा ब्रिज, अब दिखाते हैं बॉडी को बैलेंस कैसे करना है, ये भी बड़ा एक्साइटिंग है। चलो एडवेंचरस है, साथ ही साथ खतरनाक भी है, और मज़ा तो दोस्तों वहीं आता है यार जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ खतरा भी हो। मैं बहुत थक चुका हूँ, सुस्ती आ रही है, तो थोड़ी एनर्जी के लिए ना यार चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, आइए। तो दोस्तों अभी आ गई है हमारी चाय यार, अब देखते हैं चाय पी के आएगी थोड़ी सी फुर्ती। मोरनी हिल्स रिजॉर्ट से मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमए टीम का थैंक्स लॉट, जिन्होंने यहाँ पर हमारे पास पहुँचाकर आज पूरा ही विजिट किया है। एक एक हमारा जो भी हम रेस्टोरेंट, हमारी कॉटेजेस हैं, हमारे जो हमारे थीम हैं, ये हम एक जो थीम लेके आए हैं मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट लेके आए हैं, जो कि चंडीगढ़ के जस्ट ओनली 35 किलोमीटर ये हमारा एक स्पॉट हमने दिया है। तो यहाँ पर आकर आप यहाँ पर जंगल का पूरा ही आप इंजॉय करेंगे। आप यहाँ पर नाइट लाइफ में भी आप 2-4 बजे तक टेरिस के ऊपर बैठकर अपनी लाइफ का जंगल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। न्यू जनरेशन के लिए ये न्यू थीम है। और दोस्तों आज हमने रिव्यू किया मोरनी हिल्स रिजॉर्ट, मैंने आपको दिखाई यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली, तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। जाने का मन तो यहाँ से बिल्कुल नहीं है, और अभी टाइम हो गया सनसेट का, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, सी यू, गुड बाय टीम एमी इवेंट्स, सी यू।